आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे MOU 3M की, जो कि एक बेस्ट मैग्नेटिक बजट रूबिक्स क्यूब है, और साथ ही साथ इसका रिव्यू भी करेंगे। तो अभी और कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली अनबॉक्सिंग पे चलते हैं। स्वागत है आपका बी लेजेंड में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बॉक्स ओपन करते ही आपको तीन चीज़ें मिलती है, जिसमें से फर्स्ट है ये एक्सेसरीज का बॉक्स, जिसमें आपको कुछ मैनुअल्स और कार्ड्स मिलते हैं, एंड एक स्क्रू ड्राइवर जिससे कि आप स्प्रिंग को लूज़ या टाइट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आपको मिलती है MOU की तरफ से ये रूबिक्स क्यूब स्टैंड, एंड फाइनली 3M मैग्नेटिक रूबिक्स क्यूब, जिसके फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम लुक आ रहा है, और मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट भी स्मूथ एंड फास्ट है, और ल्यूब की बात करें तो काफ़ी ड्राई है अंदर से, इसमें थोड़ा भी फैक्ट्री ल्यूब नहीं दिया गया है, इसके अंदर आपको ल्यूब अप्लाई करना पड़ेगा, बट बिना ल्यूब के भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फास्ट है ये, आप मेरे मूवमेंट्स को देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कलर्स की, तो कलर्स के लिए हम MOU को कंपेयर करेंगे मिस्चीफ के 3x3 रूबिक्स क्यूब से। तो फर्स्ट ग्लांस में आपको ब्लू में तो डिफरेंस पता चल गया होगा कि अब ब्लू MOU का ज़्यादा डार्क है एज़ कम्पेयर टू मिस्चीफ, और ऑरेंज की बात करें तो कैमरे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा ऑरेंज में, बट MOU का ऑरेंज ज़्यादा वाइब्रेंट है और ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और अभी बात करते ग्रीन की, तो ग्रीन भी MOU का ज़्यादा डार्क है। रेड की बात करें तो रेड में शेड में फ़र्क है, थोड़ा सा डार्क है MOU और इसका रेड ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। और वाइट की बात करें तो MOU का मैट फिनिश थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कैमरे में इतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा, आपको थोड़ा जूम करके बताने की कोशिश करूँगा। दोनों में मैट फिनिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, और थोड़ा सा ब्राइट है इसका MOU का वाइट कलर। और येलो की बात करें तो येलो में भी MOU का येलो थोड़ा सा ब्राइट है एज कम्पेयर टू मिस्चीफ। तो ओवरऑल बात करें तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में मेरे को MOU के कलर्स ज़्यादा अच्छे लगे एज़ कम्पेयर टू मिस्चीफ। तो अभी बात करते हैं कॉर्नर कटिंग्स की, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन रख दूँ तब थोड़ा भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है, अगर मैं इसका डिफरेंस बढ़ा दूँ तब भी प्रेशर नहीं लग रहा है, और अगर इसको मैं हाफ क्यूब रख दूँ तब भी इतना प्रेशर नहीं लग रहा है। तो अभी इसका हाफ क्यूब से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ डिफरेंस, अभी भी इतना फ़र्क नहीं है, और फुल क्यूब रख के देखता हूँ तो फुल क्यूब में थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ रहा है बट लॉकअप्स नहीं आ रहे। और अभी रिवर्स कॉर्नर कटिंग की बात करें तो इसमें भी प्रेशर नहीं लग रहा है। तो अभी बात करते हैं मैग्नेट्स की, तो इन टोटल आपको 40 मैग्नेट्स मिलते हैं MOU 3M में, 3 मैग्नेट्स कॉर्नर्स में एंड 2 मैग्नेट्स एच पीसेस में। आप एडिशनल मैग्नेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, बट मेरे ओपिनियन में इतनी स्टेबिलिटी काफ़ी है इसलिए मैं एडिशनल मैग्नेट्स नहीं यूज़ करने वाला। तो अभी बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो मैंने इसको परचेज़ किया फ्लिपकार्ट से, और नॉर्मल डेज में इसकी प्राइस होती है अराउंड 800, बट अभी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज चल रहे हैं इसके लिए इसकी प्राइस है 509 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छी है एक मैग्नेटिक रूबिक्स क्यूब के लिए। और जैसे कि मैंने आपको रिव्यू में बताया कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड मैग्नेट्स भी स्टेबल है, तो अगर आप एक बजट मैग्नेटिक रूबिक्स क्यूब ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट अफिलिएट लिंक नहीं होने वाली है, नॉर्मल लिंक होने वाली है। और अगर आपको चैनल की हेल्प करना है तो मेंबरशिप ओपन है, आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के रूबिक्स क्यूब के डेमोज ट्यूटोरियल्स और रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।